नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ ऑल इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ दिए हैं और आगे बढ़ गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया है। आंसू गैस के गोले भी यहाँ पर किसानों के ऊपर छोड़े गए हैं, क्योंकि किसान ट्रैक्टर रैली में प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में जो तय रूट था, उस तय रूट से किसानों ने अपना रुख मोड़ा और अक्षरधाम की तरफ बढ़े हैं, जहां पर पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया, जिसके बाद किसान ने बैरिकेडिंग तोड़ दिया है। ऐसे में किसानों ने के ऊपर अब पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, जिसके बाद किसान वहां से अब आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ते हुए अक्षरधाम में घुसने का प्रवेश किया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर किसान ट्रैक्टर रैली का जो रूट तय किया गया था उसको तोड़ दिया है और ऐसे में अक्षरधाम की तरफ बढ़े, जिसके बाद पुलिस ने पूरा प्रयास किया उनको रोकने का। इसके चलते यहां पर किसानों और पुलिस में तीखी भिड़ंत भी हो गई है। ऐसे में दोनों की तरफ से पथराव भी हुआ है, यहाँ पर किसान लगातार पथराव भी कर रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पर पुलिस ने मजबूरन होके आंसू गैस के गोले दागे हैं, जिसके बाद किसान पीछे हटे हैं, लेकिन जो तय रूट था उससे किसान भटक गए और जानबूझकर किसानों ने अपना रुख अक्षरधाम की तरफ मोड़ा है। बैरिकेडिंग भी तोड़ दी गई है। इस पूरी घटना में कई पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया आप तक पहुंचा रहा है, जहां पर किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ी है, अंदर घुसने का प्रयास भी किया है। ऐसे में लगातार पुलिस वहां पर मौजूद है और पुलिस पूरा प्रयास कर रही है किसानों को रोकने के लिए, लेकिन ऐसे में किसान नहीं मान रहे हैं। जो तय रूट था उस तय रूट से किसान अब आगे बढ़ने का प्रयास किया, जिसके चलते बैरिकेडिंग तोड़ी गई है। जब पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया तो ट्रैक्टर भी किसानों ने पुलिस के ऊपर चढ़ा दिया, जिसकी वजह से कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से इसमें घायल हो गए हैं। फिलहाल पुलिस पूरी कोशिश कर रही है किसानों को रोकने की, जिसके चलते यहाँ पर आंसू गैस के गोले भी किसानों के ऊपर दागे गए हैं। ऐसे में जब अक्षरधाम में घुसने का प्रयास किया किसानों ने, तो जब पुलिस ने उनको रोका तो कुछ किसान बीच में आ गए और तलवार से पुलिस वालों के ऊपर हमला कर दिया है, जिसके चलते कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिनको अब अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दरअसल शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर रैली का वादा किया गया था, लेकिन वो वादा अब किसानों ने तोड़ दिया है, अक्षरधाम में घुसने का प्रयास किया, जिसके चलते यहाँ पर पुलिस ने उनको रोका है, लेकिन जब वो नहीं माने तो मजबूरन पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, जिसके बाद किसान सामने आए और तलवार निकाल कर पुलिस कर्मियों के ऊपर हमला कर दिया, जिसके बाद वहां पर हड़कंप मच गया, अफरा तफरी मच गई। फौरन पुलिस बल मौके पर पहुंचा है, घायलों को अस्पताल में भर्ती भी करा दिया है।